हेलो फ्रेंड्स, मैं मयूरी ठाकुर हमारे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिंपल्स के लिए क्या ट्रीटमेंट करके आप पिंपल्स को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आई बटन पर जो वीडियो दिए जाते हैं उन्हें देखना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पिंपल्स की समस्या आज के ज़माने में बहुत ही आम हो गई है। पिंपल्स होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपकी स्किन अगर ऑयली है, या फिर आप तीखा तला हुआ ज़्यादा खाते हो, या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हो और उससे आपको एलर्जी है लेकिन आपको नहीं पता है, तो ये सब कारण पिंपल्स होने के हैं। लेकिन आज मैं आपको जो होम रेमेडी बता रही हूँ उसके करने के बाद आप अपने पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले लेना है एक टोप, उसमें हमें गर्म पानी करना है और उसको उसकी भाफ़ लेनी है, टॉवेल से ढक देना है और अब उसकी भाफ़ लेनी है 2 से 3 मिनट तक, जिससे आपके फेस के पोर्स ओपन हो जाएंगे और धूल मिट्टी जो जमा हुई है वो निकल जाएगी। मैं यहाँ पे पतीले में पानी गर्म करने के लिए बता रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उससे स्टीम ले सकते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। स्टीम लेने के बाद आपको फेस को पोछ लेना है। पोछना मतलब रगड़ के पोछना नहीं है, आपको तौलिया लेना है, उससे इस तरीके से थपथपा के उसे पोछ लेना है। अब मैं आपको जो फेस पैक बता रही हूँ वो आपको लगा ले जा रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा शहद, अब थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये तैयार है आपका फेस पैक। इसे फेस पे 15 मिनट तक रहने देंगे और उसके बाद नॉर्मल वाटर से धो लेंगे। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको हफ्ते में 4 बार से 2 स्टेप करने से आप पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आपको जब तक ये पिंपल्स हट नहीं जाते और उसके दाग नहीं हट जाते तब तक आपको ये रेमेडी यूज़ करनी है। देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि गाइस मेरी भी ऑयली स्किन है और मैं भी इसी तरीके से अपने पिंपल्स को ट्रीट करती हूँ। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।